हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टी कंचू। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मकर संक्रांति आने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी से रिलेटेड हम कुछ DIY करें, एंड ये DIY काफ़ी इजी एंड क्विक होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ मैंने ले लिया है एक A4 साइज़ का प्लेन पेपर, और ये स्केल की हेल्प से मैंने 8x8 का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है, एंड उसे हमें नीटली कट कर लेना है। अब बीच से हमें इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है, एंड फोल्ड करने के बाद एक साइड से जहां ओपन साइड है उस साइड से 1/2 इंच की मार्किंग करना है, एंड उसके बाद थोड़ा सा हमें तिरछा लेते हुए इस तरह से सीज़र की हेल्प से कट कर लेना है। मैंने इस तरह से कट कर लिया है ताकि ये एक काइट का शेप बन के रेडी हो जाए। अब मैंने एक ये कार्डबोर्ड लिया है, एंड कार्डबोर्ड के ऊपर इस काइट को रख के ट्रेस करते हुए इसके मुझे जितने पीसेस चाहिए थे मैंने उतने पीसेस निकाल लिए हैं। टोटल 5 पीसेस मैंने इसके कट कर लिए हैं। अब एक छोटा पीसेस ट्रायंगल का मैंने लिया है, जो हमें काइट के नीचे की साइड में लगाना होता है, तो इसके भी मैंने 5 से 6 पीसेस कट कर लिए हैं। अब ये मेरे पास बचे हुए ओल्ड क्लॉथ थे, और ये छोटे छोटे पीसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्रोकेट का ब्लाउज़ का जो कपड़ा होता है वो बचा हुआ था, तो मैंने उसे ही यूज़ कर लिया है। एंड अब इसे कार्डबोर्ड के नाप से थोड़ा बड़ा कट कर लिया है, एंड ग्लू गन की हेल्प से इसमें हम स्टिक करते जाएंगे। मैंने अलग अलग कार्डबोर्ड के लिए अलग अलग क्लॉथ यूज़ किया है। आप चाहें तो एक ही कलर की काइट बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। एंड ये देखिए, इस तरह से ग्लू गन लगाते हुए चारों साइड से हमें अच्छी तरह से स्टिक कर लेना है। छोटे वाले पीस को भी मैंने उसी कलर के क्लॉथ से पूरी तरह से कवर कर दिया है। अब मैंने ये गोटा पट्टी वाली लेस ली थी, ये प्लेन लेस आपको कहीं भी शॉप में मिल जाएगी। एंड इस तरह से बीच में हमें छोटे छोटे से ग्लू गन से डॉट रखने हैं, एंड उसके बाद एक लंबी पट्टी इस तरह से चिपका लेनी है। अब इसे पतंग का शेप देने के लिए बीच में थोड़ा सा कर्व करते हुए मैंने दूसरी लेस का यूज़ किया है, समोसे वाली लेस का, एंड इसे भी ग्लू गन की हेल्प से मैं स्टिक कर दूंगी। मेरे दोनों पीसेस बन के रेडी हो गए थे, बॉर्डर लग गई थी। उसके बाद मैंने ग्लू गन की हेल्प से अगेन इसको इस तरह से स्टिच कर दिया है, तो ये मेरी काइट बन के रेडी हो गई है। एंड अब मैंने नीचे थोड़े से इसमें फंदे लगाने की सोची, तो उन्हीं जो बॉर्डर मैंने लगाई थी उसी लेस का मैंने यूज़ किया है, एंड छोटे छोटे से ये फंदे काट के उसे भी ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया है। तो ये हमारी क्विक एंड ईजी
काइट बन के रेडी हो गई है। ऐसे ही मैंने सारी काइट्स को रेडी कर लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस काइट का फाइनल लुक, एंड मैं आपको सारी काइट्स का एक फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं, ये सारी काइट्स मेरी बन के रेडी हो गई है। आप इन्हें मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें वॉल पे हैंग कर दीजिए, या फिर आप इसे डोरी की हेल्प से हैंग करके वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने ली है ये ग्लिटर सीट, और ये ग्लिटर सीट आपको 15 रुपए की एक या 10 रुपए की एक कहीं भी स्टेशनरी शॉप में इजीली मिल जाएगी। एंड अगेन हमने वही जो काइट का मेज़रमेंट वाला पेपर था वही यूज़ किया है। बस इजीली आपको इस तरह से ग्लिटर सीट के ऊपर उसे रखना है एंड नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लेना है। ये काइट का ऊपर का पोर्शन रेडी हो गया है, एंड अब हम एक ट्रायंगल निकाल लेंगे। ट्रायंगल मैं मेज़रमेंट करके नहीं निकाल रही हूँ, ऐसे ही कट कर ले रही हूँ अंदाजे से। और ये देखिए, इसके लिए भी मैंने अगेन गोटा पट्टी लेस का यूज़ किया है, और ये गोटा पट्टी लेस बहुत ही सस्ते में मिल जाती है एंड काफ़ी यूज़फुल होती है। ये डेकोर आइटम बनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होती है एंड कम में भी मिल जाती है, और आप इससे अच्छे अच्छे डेकोर आइटम्स बना सकते हैं। अब सिंपली इसी लेस का यूज़ करके सारी बॉर्डर्स पर लगा दिया है, एंड जो हमारा ट्राइंगल है उसे भी हम इससे कवर कर लेंगे। एंड जो मेरे पास एक और लेस थी समोसा वाली, उसको भी मैंने इसी तरह से बीच में लगा दिया है। ऑलमोस्ट दोनों डीआईवाई सेम है, प्रोसेस थोड़ी सेम है, बट उसमें मैंने फैब्रिक का यूज़ किया था एंड इसमें मैंने ग्लिटर शीट का यूज़ किया है। तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे क्राफ्ट बना सकते हैं। एंड मैंने छोटी पतंग बनाई है, आप चाहें तो बड़ी बड़ी सी पतंग बना के भी अपनी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारे ग्लिटर सीट का यूज़ करके एक एक काइट बना ली है, और ये कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही हैं। मन कर रहा है कि इन्हें उड़ा ही लूँ, बट सॉरी, ये उड़ नहीं पाएंगी, आप इसे सिर्फ हैंग कर सकते हैं। अब ये मैंने लेस ले ली है, अगेन वही समोसे वाली लेस, और बस एक एक करके इसमें ग्लू गन की हेल्प से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर मैं काइट को रखते जाऊँगी एंड चिपका दूँगी ग्लू गन से। मेरे पास ये पॉम पॉम पड़े हुए थे, तो बीच बीच में मैंने एक एक पॉम पॉम भी लगा दिया है। पॉम पॉम मैंने रैंडमली किसी भी कलर्स का उठा के लगा दिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, बातों ही बातों में हमारा क्राफ्ट बनके रेडी हो गया है, एंड मैंने सेम ऐसे दो पीसेस बनाए थे। अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।
अब जब हम हल्दी कुमकुम या मकर संक्रांति का इतना डेकोरेशन करेंगे तो फिर एक ऐसा बॉक्स भी चाहिए ना जिसमें हम बना के तिल के लड्डू रख सकें। तो ये मेरे पास एक खाली स्टील का बॉक्स था एंड ये थोड़ा सा चिटक गया था तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया। अगेन मैं लूँगी ओल्ड फैब्रिक, तो ये ब्रोकेट का फैब्रिक है तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, इसलिए मैंने इस पिंक कलर को ही चूज़ किया है। ढक्कन के हिसाब से फैब्रिक को कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक लिया था ताकि जब हम इसको चिपकाएं तो ये अच्छे से कम्प्लीटली कवर हो। मैंने डिब्बे के ढक्कन के ऊपर फैब्रिक को अंदर तक लगा दिया है, आप चाहें तो बाहर तक ही इसे लगाएं। मेरा ढक्कन थोड़ा सा ढीला था इसलिए मैंने इसके अंदर तक लगा दिया है एंड आगे मैं इसे और भी डेकोरेट करूंगी, उसके लिए फिर से वही लेस का यूज़ करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही लेस का यूज़ करके सारे DIYs क्रिएट कर रही है, तो यार थोड़ी सी बचत करना भी तो बनता है। ये देखिए ढक्कन पे मैंने लेस लगा दी है, अब बचा नीचे का पोर्शन, उसके लिए मैंने ये पुरानी वाली लेस ली है। इस लेस को आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतने बार यूज़ कर चुकी हूँ। इससे मैंने करवा चौथ की छन्नी भी सजाई थी एंड दो बार मैंने इससे चीज़ें डेकोरेट कर चुकी है एंड अगेन उसे निकाल के फिर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए नीचे भी मैंने गोटा पट्टी वाली लेस लगा दी ताकि ये नीचे का जो खाली खाली सा पोर्शन है वो भर जाए और ये और भी अच्छी दिखाई दे। अब मैंने ले लिया है पीला कलर का फैब्रिक, येलो कलर के फैब्रिक के ऊपर ये पतंग कार्डबोर्ड रख के थोड़ा थोड़ा जो डिस्टेंस है वो छोड़ के ट्रेस कर लिया है। ट्रेस करने के बाद इसे सीजर से मैं कट कर लूँगी। अब काइट के नाप का क्लॉथ कट करके ढक्कन के ऊपर इसे ग्लू गन की हेल्प से मैंने चिपका दिया है एंड नीचे के लिए भी मैंने एक ट्रायंगल छोटू सा कट किया है, उसे भी मैं चिपकाऊंगी एंड ये काइट का जो शेप है वो खाली खाली ना दिखे इसलिए अगेन उसी लेस का मैं यूज़ करूंगी एंड इससे पूरी तरह से जो काइट का हमें शेप है वो बनाना है। चारों बॉर्डर पर लेस लगा देंगे एंड बीच में भी जो हम काइट के लिए लेस लगाते हैं उसी तरह से इसे भी डेकोरेट करेंगे। तरह का बॉक्स मैंने अमेजोन पे देखा था एंड उसका प्राइस था अप्रोक्सीमेट 600 रुपीज़ एंड हमने इसे घर पे ही बना लिया है ओनली ₹60 में, और मैं कहूँगी कि 60 रुपीज़ से भी हमें कम ही लगे होंगे। तो बस ये देखिए हमारा डिब्बा बनके रेडी हो गया। अब आप चाहें इसमें अपने मन चाहे पकवान रखिए और इसे डेकोरेट करिए एंड सर्व करिए। तो देखिए इसका फाइनल लुक। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।